नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जहां एक तरफ सदन के बाहर और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ आजसू के विधायक लगातार नई नियोजन नीति का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक लोबन हेमरम भी इस मामले को लेकर के अपनी आवाज सदन के बाहर और सदन के अंदर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर नई नियोजन नीति क्या है, इसमें सारी चीजें स्पष्ट करे सरकार। और इसको लेकर के लगातार जब सत्ता पक्ष के मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जब सवाल पूछे गए कि आखिर नई नियोजन नीति क्या है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधे सुनिए। अधिकार से वंचित रखना ताकि ये अपने उद्देश्य में सफल हो सके, या अडानी अंबानी जैसे लोगों को ये यहाँ इस झारखंड में स्थापित करके और यहाँ के लोगों को यहाँ से विस्थापित करना, यहाँ का विकास नहीं होने देना, यही इनका मूल उद्देश्य है। और यही कारण है कि जब राज्य हित में जनहित में कोई बात होती है तो ये इस तरह का अपना आचरण दिखाते हैं, इस तरह का कारनामा करते हैं। इन्हें बताना चाहिए कि अभी पहले जो हम लोगों ने नियोजन नीति लाई थी उसमें कौन सी कमी थी, फुल प्रूफ कि पूरे झारखंड के ही वासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी उसमें नियोजित होते, और इनके नेता जो प्रथम पंक्ति के नेता, इनके द्वारा हाईकोर्ट से उसे निरस्त कराया गया। और आज फिर हमने नियोजन नीति लाई है जिसमें अधिकतर झारखंड के लोग 95% झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, और उन यहाँ के हमारे युवाओं की भावनाओं का कद्र करते हुए उनके विचार लेने के बाद तब हमने नई नियोजन नीति लाई है। और उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि झारखंड पूरी तरह से रुका रहे अपनी जगह पर, जिस तरह से इन लोगों ने रोक कर रखा था उस तरह से रुका रहे, यहाँ कोई विकास नहीं हो, यहाँ किसानों का के लिए कोई काम नहीं हो, मजदूरों के लिए काम नहीं हो, छात्र नौजवानों के लिए काम नहीं हो, यही इनका संगल रह गया। पूरे हमारी सब तरह ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, ये सभी चीज़ का बहिष्कार करते हैं। ये छिपावरी, इनका एक ही काम रह गया है कि फूट डालो, राज करो। ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और सिर्फ इनका एक ही मकसद रहता है कि हिंदू मुसलमान करो, जाति धर्म में लोगों को बांटो और अपना उल्लू सीधा करो, देश चाहे बिक जाए। जो कहते थे इनके माननीय मोदी जी कि देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके पूरी तरह से देश को बेच रहे हैं, तो यही है इनका, ये हर चीज़ का, हर अच्छी चीज़ों का ये विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि चर्चा हमेशा हर विषय पर, शुरू दिन से हमारे सारे पक्ष के जितने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारे माननीय मंत्री को, सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग हर तरह की खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन जब राजहित की बातें जब सदन में शुरू होती है, चर्चा शुरू होती है, माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य शुरू होता है, माननीय वित्त मंत्री का वक्तव्य शुरू होता है, तो ये लोग सदन से वॉकआउट करते हैं और जनता देख रही है सब कुछ, और जनता जवाब देगी इन्हें अच्छी तरह से। तो आपने यहाँ पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सुना, जिनका कहना है कि हमने पिछले बार भी नई और फुल प्रूफ नियोजन नीति जो है वो लेकर के आए थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर निरस्त कराया गया था, और उसके बाद फिर अब हम लोग एक बार फिर से नई नियोजन नीति लेकर के आ रहे हैं, और इसमें तमाम युवा ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है उस आधार पर इस नई नियोजन नीति को सरकार लेकर के आ रही है। तो इसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ पर रोज़गार मिले, विकास हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल किया है। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।